हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी ब्रेकफास्ट रेसिपी जिसको खाने के बाद आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करेंगे, क्योंकि यह है ही इतना हेल्दी। ऐसा नाश्ता खाने के बाद आपके शरीर में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप अपने सारे काम बिना किसी आलस के निपटा लेंगे। वेलकम टू डिलाइटफुली देसी। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ इसको बनाने के लिए मैंने ऑर्डर किया एक 3-in-1 टोस्टर, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। आप चाहें तो इस रेसिपी को तवे पे भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से वॉफल मेकर में बनाने से एक तो ऑयल बहुत कम लगता है और रेसिपी का टेस्ट और लुक भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ मैंने इसको ओपन कर लिया है, बहुत ही अच्छी पैकिंग में आया है ये। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह का वॉफल मेकर ऑर्डर करें, आप कोई और भी मंगा सकते हैं। तो यहाँ इसमें बड़ा ही अच्छा लॉक सिस्टम भी दिया हुआ है, 3-pin प्लग दिया है इसमें। इसे मैंने UK में मंगाया है, तो इस तरीके का प्लग है। आप किसी और कंट्री में मंगाएंगे तो उस हिसाब से इसका प्लग आता है। ये इसका मैनुअल है जिसमें इसे यूज़ करने का तरीका और डूज एंड डोंट्स और मेंटेनेंस कैसे करनी है वो सब बताया हुआ है। अब यहाँ पर ये हैं एक्स्ट्रा प्लेट्स, ये वॉफल की प्लेट है, 3-in-1 है ना ये, तो ये वॉफल की प्लेट्स हैं और ये सैंडविच की प्लेट्स हैं। इस तरीके से एक ही टोस्टर में मेरा पूरा काम हो जाएगा। अब आपको बताती हूँ कि इन प्लेट्स को चेंज कैसे करना है। ये जो पहले पनीनी वाली प्लेट लगी हुई है, इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे बटन्स को, ये निकल जाएगी। अब इसी तरीके से ये ऊपर प्लेट रख देंगे और बटन्स को हल्का सा प्रेस कर देंगे तो ये सेट हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी साइड भी कर देंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाता है और बहुत ही आसानी से लग भी जाता है। ये लगा दी हमने सैंडविच वाली प्लेट, लेकिन हमें ज़रूरत है वॉफल वाली प्लेट्स लगाने की, तो हम वॉफल की प्लेट्स लगा के इसको सेट कर लेंगे। ये हमने प्लेट्स लगा दी हैं, अब तैयार करते हैं वॉफल का मिक्स। इसके लिए एक बोल में डाल लेते हैं 1 कप रागी का आटा। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, 1/2 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 1/2 टीस्पून बारीक कटी हुई अदरक। अब इसमें डाल रहे हैं 1/2 कप बारीक कटा हुआ पालक और 1/4 कप कसा हुआ कद्दूकस किया हुआ और उबला हुआ आलू। 1 टेबल स्पून इसमें डाल लेंगे बारीक कसी हुई गाजर। इसमें डाल लेते हैं स्वादानुसार नमक। अब इसमें डाल देते हैं 1 टेबल स्पून फ्रेश दही। अब इसमें 1/2 कप गुनगुना पानी डालते हुए इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, रागी का आटा बहुत ही पौष्टिक होता है। इसको खाने के बाद बहुत जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती है। 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल देते हैं, या मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें 1 कप गुनगुना पानी और मिलाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, ताकि ये एकदम से पतला भी ना हो जाए। हमें सेमी लिक्विड पेस्ट बनाना है इसका, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे। इसमें हमने खाने का सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, बस इसी तरीके से खाली 1 चम्मच दही डाला है। ये तैयार है, अब इसको रेस्ट करने देंगे। दूसरा बनाते हैं मिक्स। तो इसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है। अब इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच बारीक कटी अदरक, 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई लाल शिमला मिर्च, 1 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ प्याज और 1/2 कप बारीक कटा हुआ पालक। इन सब चीज़ों को पहले ड्राई मिक्स कर लेंगे नमक मिलाते हुए। आप चाहें तो और भी मसाले डाल सकते हैं। ये हमने ड्राई मिक्स कर लिया, अब इसमें मिला देते हैं 1/4 चम्मच खाने का सोडा और हल्की सी काली मिर्च। अब इसमें मिला रही हूँ 1 टीस्पून ऑयल। अब इसमें डालेंगे 1 कप गुनगुना पानी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गुनगुना पानी डालने की वजह से ये पेस्ट बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और इसका रेस्टिंग टाइम बहुत कम लगता है और वॉफल्स भी काफ़ी फ्लफी बनते हैं। ये तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम अपने टोस्टर को प्री हीट कर लेंगे। इसको दोनों साइड से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। वैसे तो इसमें ऑयल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं इसको, तो दोनों साइड से थोड़ा ग्रीस कर लेंगे। यहाँ मैंने दोनों प्लेट्स को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है। अब इस पे एक साइड पे डालेंगे रागी वाला मिक्स, अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे पूरा। बहुत ज़्यादा नहीं भरना है इसमें, नहीं तो ये ओवरफ्लो कर जाएगा। अब दूसरी साइड पे डालेंगे बेसन वाला मिक्स।
ये पूरा मिक्स हमने एक एक वॉफल के हिसाब से ही तैयार किया है, तो पूरा मिक्स इसमें आ जाएगा। बस अब इसको कवर कर दीजिए और 10 मिनट में ये बनके तैयार हो जाएगा। जब ये बनेगा तब इसकी ग्रीन लाइट अपने आप ही ऑन हो जाएगी। ये देखिए ऑन हो गई है, इसका मतलब ये रेडी है। ये देखिए बाहर से कितना क्रिस्पी बना है और अंदर से काफ़ी फ्लफी होगा। ये देखिए दोनों साइड से बहुत अच्छे से सिक गया है, गर्म है काफ़ी, तो इसको बहुत सावधानी से निकालना है। यहाँ मैंने निकाल लिए दोनों वॉफल्स, अब इनके पीसेस कट कर देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है ना, तो इसके पीसेस कट करके सर्व करेंगे तो खाने में भी आसानी होगी। तो यहाँ चाहे तो 2 पीसेस कट कर लीजिए, चाहे इस तरीके से 4 पीसेस कट कर लीजिए। ये देखिए अंदर से कितना फ्लफी है और बाहर से एकदम क्रिस्पी है। इसको मैं सर्व कर रही हूँ टोमेटो केचप और हरी चटनी के साथ में। आप चाहें तो मेयोनीज भी सर्व कर सकते हैं। चलिए खाना शुरू करते हैं। देखिए अंदर से कितना फ्लफी और सॉफ्ट है ना। वैसे तो ये नाश्ता सभी के लिए काफ़ी हेल्दी है, लेकिन ख़ास तौर से अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। और अगर आप मोटापे से परेशान हैं तब तो ज़रूर इस नाश्ते को आप डेली ट्राई करिए, 100% आपका मोटापा कम हो जाएगा। रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।